एंड गुड मॉर्निंग विद सबी का ये है किचन। और आज जो है बड़े ज़बरदस्त अलग सी डिश है और वो डिश है चिकन मैगी पोटैटो कबाब, ऐसा ही है ना। तो शेफ रहीला हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मुझे लग रहा है अपनी तरह हेल्दी शेल्दी कर दोगी। ये इतना हेल्दी नहीं है किड्स बच्चों को पसंद। तो किड्स हमारे साथ ही आज इनका बेटा बड़ा प्यारा सा, क्या नाम है इसका? मोहम्मद हमजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। यार कसम से बाल तो बड़े दबंग बनाए हैं आपने। यार क्या कसम, मुझे हीरो लग रहे हो। और ये मुँह देखो, लोग आपको देखेंगे ये बत्तख किसने बनाया, बालों में जेल लगा हुआ है, अकड़े में। ओह माय गॉड, ये तो ये लगो किसी को चुभा दो तो मैं से ठक करके लगे इसको। इतना प्यारा सा बच्चा है। और मैं आज थोड़ा सा ये कि मैं डिश के बारे में बाद में बात करूँगी। इसको क्या प्रॉब्लम है जरा सा बताना। थैलीसीमिया विद हेपेटाइटिस सी। अच्छा, इससे थैलीसीमिया विद हेपेटाइटिस सी भी है। तो ये अक्सर जो है ना उधर बैठा होगा, ये बाहर होता है, तो मैं मेरा दिल करता है मैं इसको थोड़ा अंदर बुलाऊं। तो ये कहती कि कहीं बोल पड़ेगा, तो मैंने कहा मेरा क्या उखाड़ लेगा है, चैनल है यार, लाइव शो है, कोई बात नहीं, बच्चा है। तो आज मैंने इसको बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बुलाया, वरना ये स्क्रीन पर आ नहीं रहा था। तो मेरे से दोस्ती हो गई फिर आपकी कि नहीं हुई है? हो गई भाई, पक्का हो गया, डन हो गया जी, डन हो गया। राशिद मोहम्मद हमजा जी। मैंने अपने बड़े भाई का नाम ले लिया, कोई बात नहीं। अच्छा हमजा जी, अब पक्की दोस्त तो फिर नीचे निगाहें करोगे तो मुझे देखेगा कौन? अरे बाबा खेलने दो। टका सा जवाब दिए, इसलिए एहतियात बड़ी जरूरी है। अच्छा जी, लेट्स सी। हमजा आपका एक अकलौता बेटा जी, बिल्कुल। चले जी, उसको अल्लाह सेहत दे, जिंदगी दे। और तुम इतने एफर्ट कर रही हो और हम अपनी तरफ से जितनी भी आपको सपोर्ट कर सके इंशाल्लाह करेंगे। और अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाबी दे। आमीन सुम आमीन। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग, बिल्कुल। और ये कुछ घर में कुछ बनाता भी है कि नहीं? ये बहुत सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा तो इसी का सपोर्ट होता है कि वो ये मुझे टेस्ट कर करके बताते हैं कि मामा नमक सही है, मिर्ची सही है। अच्छा, और ये यानी कि शेफ, फ्यूचर का शेफ है ये। मगर अब ये है कि थोड़ा बीमार हैं तो अभी डॉक्टर्स ने इनको हर चीज़ अवॉइड की हुई है, तो मुझे बड़ा परेशानी होती है। मैं घर में ऐसी कोई भी आइटम नहीं बना पा रही। अल्लाह, चले चले अल्लाह पाक। ये थोड़ी मैं सच बताऊँ, अल्लाह पाक आपके बहुत करीब है और इसकी सूरत में आपको जो है वो एक थोड़ी सी आजमाइश दी है, और ये मोहब्बत है, और इससे ताकि आप अल्लाह के और करीब, और अल्लाह बल्कि आपके बहुत करीब, दोनों एक। ये एक मैं कहती हूँ बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अल्लाह पाक से उनको अटैचमेंट का एक मौका मिलता है। लेट्स सी। और इसे सलामत रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, और आपको हिम्मत दे। हम अपनी डिश की जानिब चलते हैं। और क्या डिश का नाम है? चिकन पोटैटो मैगी कबाब। चिकन पोटैटो मैगी कबाब। और ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और आज हम खा के भी देखेंगे, देखिए हमें कितने अट्रैक्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? इसके सबसे पहले जो है इसमें हम बॉइल्ड आलू करके आपने मैश कर लिए हैं। वही रखो ना, इसलिए कि हम लोग इसमें इंग्रेडिएंट्स में बता देते हैं। कॉर्नफ्लावर 4 चम्मच जाएगा इसमें, ठीक है। कॉर्नफ्लावर एक प्याली आपने लेना है, शायद चिकन लेना है। चिकन को इन्होंने बिल्कुल बॉइल करके नमक और ब्लैक पेपर किया, ठीक है जी। नेक्स्ट, ठीक है, मैगी है, बॉइल कर लिया बिल्कुल हम लोगों ने, ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमारा स्पेशल मसाला है। ये 2 नंबरी करती है कसम से। ये ऐसी चीज इसमें ऐड करती है कि मुझे जरूर, आपको जरूर इससे रब्ता करना पड़े। चलिए ना, कि स्पेशल मसाला है, ठीक है। और सफेद तेल है, ओके। काली मिर्च पिसी हुई है, ओके, ठीक है। अच्छा, ये काली मिर्च है जी, नमक, हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च और सफेद तेल, ठीक है, सफेद। और साथ में हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। अगर ब्रेड के लिए बना रहे हैं ना तो फिर हरी मिर्च को स्किप कर दें, वो मत ऐड कीजिएगा बच्चे। चलें जी, ये हमारे पास ये है ब्रेड क्रम्स है, वो क्या कहते हैं इससे, आप पापों का चूरा भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि वो ब्राउन ब्रेड जो आती है, ठीक है, इसे आपने। और अंडे, ओके। मैं बहुत अच्छा, मैं जो हमारे घर में डबरोटी आती है ना, उसके साइड पे ब्राउन होता है, उसको मैं काट के रख लेती हूँ। थोड़े 2 दिन बाद घर के अंदर ही, धूप में नहीं, वो ऐसी क्रंची हो जाती है, उसको क्रैश करके आप अपने बोतल में, शीशे की बोतल में रख सकते हैं, वो खराब नहीं होती। उसमें रखेंगे प्लास्टिक के कंटेनर में तो वो फफूंदी लग जाएगी, लेकिन कांच के बर्तन में बहुत टाइम तक चलेगा। लेट्स सी, हम अपना जो है डिश स्टार्ट करते हैं। देन बाउल इधर कर देते हैं। एंड ये जो है इन्होंने ये देखिए 5 आलू थे दरमियाने साइज के, इसमें हमने 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ठीक है जी, हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया इसमें, ठीक है जी। और नेक्स्ट ये हमारा चार मसाला 1 से 1.5 चम्मच। इसकी जब हम बन रहा होगा ना फिर इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल बताएंगे कि हमारे नाज़रीन को मालूम हो कि ये कौन सा खास मसाला है। ओके, चार मसाला कहा जाता है मगर इसमें इंग्रेडिएंट्स काफी होते हैं। ये बॉइल्ड मैगी है, बॉइल्ड मैगी। अच्छा, अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है, जैसे कुछ राइस पर ठीक है, लेकिन चिकन जरूर ऐड कीजिए। चिकन है बॉइल। ओके, ये पहली बार मैं ये डिश जो है ना ट्राई करूँगी, देखें इसका क्या टेस्ट आता है। ओके, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, सफ़ेद तिल। वाह, ये तो बड़ी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू वाली बात हो गई है राइला। और ये काली मिर्च है, जी बिल्कुल, ब्लैक पेपर एंड हस्ब जायका नमक। ठीक है जी, मैं आपको पिंक सॉल्ट ला के दूंगी, वो आप ऐड किया करें, वो ज़्यादा हमारी सेहत के लिए जो है वो हेल्दी होता है। ठीक, ओके जी। साथ में हम हरा धनिया, ओके, हरा धनिया एंड हरी मिर्च। क्या ज़बरदस्त, ओ हो। ओके, ये सारे एक बर्तन जो साइड कर देते, लाई मुझे दे दे। ये लीजिए, ये आपने कब यूज़ करना है? ये हमने कबाब, ये मुझे दे दीजिए। ओके, बना कर हमने, ओके डन हो गया जी, लाई मुझे दे दीजिए साइड। अब हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया। गुड जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इसको इन्होंने मिक्स कर। अच्छा, हम पहले बर्तन रख दें ताकि थोड़ा हीटअप हो जाए, गर्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती हूँ। आप इसको ओके पहले हम मिक्स कर लें। अच्छा, बड़े आपने ग्लव्स ओह माय गॉड, लेकिन हाथों से करना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से मसाले जो है ना मिक्स हो जाएं। ये देखें जी नाज़रीन, शेफ़ राहिला जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म के इस वक्त। अच्छा, इनको कौन सी डिश, हमजा को कौन सी डिश पसंद है? हमजा को तो हर डिश माशाल्लाह से पसंद है। हमजा, आपको क्या पसंद है खाने में? पुलाव के तो हम बड़े दीवाने हैं। अच्छा, अबू अच्छा बनाते हैं, अम्मी अच्छा बनाती है? अबू की तो वैल्यू ही नहीं सर। असल में अबू जो बनाते हैं, इनके जो पापा बनाते हैं ऐसे ही, और अबू की, इनके अबू की तारीफ नहीं, वो बनाते हैं कढ़ाई। बच्चे को पसंद आपके हाथ की? हाँ, तो वो जाहिर सी बात है ना, बच्चा और बच्चे की माँ जो है ना कढ़ाई शढ़ाई नहीं खाता है। अच्छा, तो अबू कौन सी अच्छी डिश? दाल बड़ी बड़ी माशाल्लाह से जबरदस्त बनाते हैं, हर आइटम बहुत अच्छा बनाते हैं। बस वही बात है, हमारा बेटा हमारी माँ के हाथ के खाते हैं। चले, नहीं अच्छी बात है ना, दैट्स गुड। ये देखें, गुड, ये सब चीज़ें रेडी हो गई, कर ली। और ये बहुत जल्दी बनते हैं, इसमें टाइम भी नहीं लगा। अब आप अगर उतारना चाहें तो उतार लेंगे? नहीं, अभी ऐसा अच्छा, मुझे कबाब बनाने हैं। ओके ओके, फ्राई भी करना है। ठीक है, जब इसको आपको ये प्लेट दे दूँ फिर एक जिसमें आप रखोगे। ये काली मिर्चें लगी, खैर आप इसमें बनाए ना टिक्की, अगर बनाना चाहें तो जी बिल्कुल आप बनाए उसमें। अच्छा, ये एग तोड़ के आपको कुछ इसको पहनना है, लो मुझे दे दो, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। दोनों एक एक। अच्छा, हम हमेशा मैं बताती हूँ कि अगर आपको बहुत सारे अंडे लेने हो तो 1 बाय 1 आप उसको तोड़ें, कि खुदा ना खासा अगर एक भी गंदा हो तो सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे। तो आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दैट्स गुड, ये सही है। ठीक है, अब इसको हम बड़े बाउल में डाल देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अंडा तोड़ देते हैं और 3-4 इकट्ठे करने के चक्कर में सारे अंडे ही बराबर हो जाते हैं। ये दोनों ही ठीक है। ओके जी, अब हम इसको, इसमें कुछ ऐड तो नहीं करना? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हमने इसमें, आपने ऑयल डाल दिया? बिल्कुल, ऑयल, और हाथों को भी ऑयल से हमने ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा फ्लेम फास्ट कर लें ताकि जल्दी हो जाए गर्म। यस, कटलेट्स भी बन सकते हैं इसके? कटलेट्स भी बन सकते हैं, कबाब भी बन सकते हैं, जो शेप आपने देना है तो आप इजीली दे सकते हैं, मगर हम आज अच्छा मैंने देखा ज़्यादा जो है ना इनको आलूओं को इन्होंने ज़्यादा नरम नहीं किया, वरना ये होता है कि वो चिपचिपे अजीब से हो जाते हैं। ये देखें ना, हाथ खराब है, कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे आपने कॉर्नफ्लोर जो डाला है ना, कॉर्नफ्लोर, उससे जो है ना वो बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा सेबी, मैं आपको एक बात बताऊँ? यस, मेरा बेटा है ना, अब मेरी हमारी एक है फ्रोजन आइटम की डिश है, चिकन चीज कचौरी, वो मेरा बेटा बहुत अच्छी बनाता है। ऐसी बात है? रियली? पता है, जब भी ऑर्डर आते हैं ना तो मेरी ये बढ़िया हेल्प करते हैं और खुद ही बनाकर मुझे देते हैं। मैं यही पूछने वाली थी कि हमजा खुद कौन सी डिश बनाते हैं? तो हमजा फिर यहाँ किस दिन, फिर आप ऑनलाइन कुकिंग कर रहे हैं, कोई डिश बनाए? ट्राई करना नहीं आती? अच्छा, वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी ना, आप पहले। अच्छा, भी आ रही बनाते हैं। आपने नजरें नीचे की हुई है, कैमरे में सब आपको देखना चाह रहे हैं और आप देख ही नहीं रहे हो, कितनी बुरी बात है यार, मैंने इतनी मोहब्बत से आपको यहाँ बुलाया है। अच्छा, फिर कौन सी डिश बना लेंगे? ईजीएस्ट कौन सी, बहुत आसानी के साथ कौन सी बनाओगे? रोल। उसमें क्या क्या डलेगा? अरे तो मसाले कौन से बताए ना मम्मा, तो बताएगा आप इतनी अच्छी मम्मा खाना पकाती है तो बेटे को इसका मतलब कुछ भी नहीं आता, तो उसमें क्या क्या मसाले ऐड होंगे वो बताए ना आप मुझे। तो फिर आपने क्यों कहा आपको रोल बनाना आता है? चले भाई आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये वो अब इसको फ्लेम को मुझे लगता है स्लो कर दिया, स्लो कर दिए मैंने, हाँ, क्योंकि ये ना वो जल जाए। ओके हम दो बना लेते हैं, फिर आप बाकी बना लीजिएगा, ठीक है। और साथ में ग्रीन चटनी भी हमने पहले से ही रेडी कर दी, हाँ ओके गुड हो गया, रख दी है, दैट्स गुड। तो बस इसमें दो कबाब हम रखेंगे और ये, ताकि ये हम इसको दिखा दें कि ये चीज़ रेडी हो गई है, दैट्स गुड। ये आप ये मुझे दे दें, दैट्स गुड। हम आपको थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं ताकि आपको अंदाज़ ये देखें नाज़ी कितनी ईजीएस्ट इन्होंने इसमें अंडे में आपने पहले ठीक है, अब उसके बाद अब दूसरे, अच्छा ठीक है ओके दैट्स गुड ओके वाह। अच्छी तरह इसे कोटिंग करनी है, ओके हम एक साथ ही ऐड करेंगे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ताकि जल में ना जाए, अच्छा इक्वल फिर उसके अंदर वो फ्राई हो जाए ना अच्छे से। लो ये मुझे आप मुझे डाल दूसरा इसके अंदर एग में डालो पहले, जल्दी जल्दी से हो जाए फटाफट। ये देखें जी मैंने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कवर कर दी, इसमें ऐड कर लो, यस दैट्स गुड। अच्छा जी नाज़रीन पता क्या होता है, हम जब कुछ भी घर में बना रहे होते हैं तो उसको थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है और प्रॉपर तरीके से। ये देखें जी राहिला ने वाह ज़बरदस्त, यार यकीन करें मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं ज़रूर इसको घर में ट्राई करूँगी। और आप भी नाज़रीन प्लीज़ घर में यू मस्ट भी ट्राई, बिकॉज ज़रा सा डिफरेंट डिश होती है और बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है जी। और पता है ये चीज़ें बच्चे के लिए खास करके मुझे मेरे कस्टमर ने कहा था कि प्लीज़ हम बनवाएंगे तो आपसे ही, मगर आप प्लीज़ कुछ ऐसी लेकर आए ताकि बच्चे जब देखें ना तो कहें कि हमने आंटी से यही बनवाना है। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, रहीला का जो है वो ऑफ कोर्स ऑनलाइन ये ऑर्डर्स लेती हैं और ज़बरदस्त किस्म के इनके पास जो है वो माशाल्लाह डिफरेंट डिशेस होती हैं जो इनको ऑर्डर्स पे ये बना के लोगों को एंटरटेन करती हैं और इनके परमानेंट क्लाइंट भी हैं और इनका नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है। आप इनसे जो है रब्ता करके आप ऑर्डर्स जो भी बिरयानी बनानी है, और बड़ी बड़ी ये नहीं कि सिर्फ ये एक एक पाव एक एक किलो नहीं है माशाल्लाह, 5-5, 6-6, 10-10 किलो जो है लोगों के ऑर्डर्स मदरसे में, कुछ इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिसेज में इनके जो है रेगुलर क्लाइंट हैं जो इनके जो है ऑर्डर्स जो है ये फुलफिल करती हैं और उनके ऑर्डर्स इनके पास आते हैं। अच्छा बहुत लाइट फ्लेम में मुझे ये कितना प्यारा गोल्डन सा हो गया ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा मेरे जो अपने हमारे जो हैं ऐसे समर हाइजीनिक फूड विद राहिला सदरू, अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी जो काफ़ी हद तक इसमें फ्रोज़न आइटम में जो है ना डिशेज मेरी ही अपनी बनाई हुई हैं, ना मैं किसी चैनल से बनाती हूँ, सारे मिर्ची मसाले मेरे हस्बैंड बताते रहते हैं। अच्छा वो ये डिश खत्म ना हो जाए जल्दी से वो बताओ, वो जो आपने मसाला ऐड किया था, देखो ये घुमा रही हैं और मैं नहीं घूमने वाली, यस अब मुझे बताओ। 4 मसाले में हम लोग 4 मसाले क्या थे? साबुत धनिया है, ओके, सफेद जीरा है, ओके, साबुत धनिया, सफेद जीरा, लाल मिर्च, ओके, और काली मिर्च साबित, ओके, और तेजपात है, ओके, नमक है, कसूरी मेथी है। अरे वाह, ये सब चीजों को आपने हल्का सा भून लेना है, ओके ठीक है, दैट्स गुड, सेक लेना है और उसके बाद ठंडा करके बिल्कुल आपने वाह ग्राइंडर में जबरदस्त। और ये आप हर आइटम में अपने डालें, आप देखें खाने का जायका ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा ये जो है ना मैं ये करना चाह रही थी, ये हरी चटनी अगर हम इसमें डाल दें ना तो बड़ी प्यारी सी लगेगी, ओके। देखें जी नाज़रीन हम कितनी प्रेजेंटेशन में मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों का दिल 100% चाहे कि यू मस्ट बी ट्राई, ताकि आप लोगों का दिल चाहे यू मस्ट बी ट्राई, यस। ये है डिश का नाम, राहिला बताएं जल्दी से। चिकन मैगी कबाब विद ग्रीन चटनी, वाह जबरदस्त, लव यू यार, थैंक यू सो मच। बाकी आप बनाइएगा, बिल्कुल हम खाएंगे तो चले फिर हमजा खुदाफिज करेंगे यहाँ से, नहीं अच्छा ओ क्या करना है, अल्लाह हाफिज़, मैं सद के जाऊँ। चले जी यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक को, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सबी के साथ।